कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। आप सबको नमस्कार। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था, कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। दूसरी वेव देश के लिए बेहद घातक साबित हुई है। शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जो कोरोना से अछूता रहा हो। न जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया है, कितने घरों के चिराग बुझ गए, न जाने कितने घरों से उनके सर से पिता का साया उठ गया, कितनों ने अपने माँ भाई बहन और अपने प्रियजनों को खोया है। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पर वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पर वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पर सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। यह काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। खैर, जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं, लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए, एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पर युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें, ऐसे थोड़ी होता है।
हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते, भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए, उनको जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जाने चली गई। अब और देरी की तो ना जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जाने चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। जय हिंद।